गाइस, वेलकम बैक टू मॉडर्न फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैंगो कलाकंद की रेसिपी। ये मैंगो कलाकंद की रेसिपी ऑलमोस्ट मिल्क कलाकंद, जो मिल्क की बर्फ़ी आती है उसी की तरह होती है, बस इसमें मैंगो का मतलब आम का पल्प जाता है। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, मुश्किल से आधे घंटे में तैयार हो जाती है। और ये खाने में बहुत यूनिक सा टेस्ट देती है। आम का सीज़न चला जाए इससे पहले दो तीन आम की रेसिपी तो बनानी बनती है। सो आज हम बनाते हैं मैंगो कलाकंद। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंगो कलाकंद बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कप आम का पल्प और उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। आप चाहें तो घर की कोई कटोरी या कप को सेट कर ले मेजरमेंट के लिए, बाकी सारे मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग करें। एक कप आम का पल्प ले लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 6 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपका आम थोड़ा खट्टा है तो आप इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आम मीठा है तो 6 चम्मच में इसकी मिठास बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसका एक स्मूथ प्योरे तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसका एक स्मूथ प्योरे तैयार कर लिया है। अब हम इसे पकाएंगे। अब हम एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे। आप कोई नॉर्मल पैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर नॉनस्टिक पैन में ये कम चिपकेगा। अब हम इसमें अपना सारा जो हमने मैंगो का पल्प तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसे मीडियम से स्लो आंच पे कम से कम 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसे हम पका लेंगे। हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा पल्प अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे गैस से उतार के साइड रख देंगे। अब हम फिर से एक पैन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी थोड़ा सा पिघल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। दूध डाल के हम इसे चलाते हुए उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध उबलना शुरू हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 कप ग्रेट किया हुआ या फिर मैश किया हुआ पनीर। पनीर डालने के बाद हम फिर से इसे चलाते हुए स्लो से मीडियम आंच पे इसे पका लेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका दूध जो है इसमें वो इवेपोरेट होके कम ना हो जाए। बहुत थोड़ा सा जब इसमें लिक्विड बचेगा तब हम इसे चलाना बंद करेंगे, इसे पकाना बंद करेंगे। इसे पकाने में, इसे गाढ़ा होने में कम से कम 5 से 7 मिनट जाएगा। और इसे हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो लहक जाएगा और लहकने के बाद इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप इस रेसिपी को मिल्कमेड के साथ भी बना सकते हैं। अगर हम मिल्कमेड डालेंगे तो हम यहाँ पे 225 ग्राम मिल्कमेड लेंगे। और मिल्कमेड जब हम डालेंगे तो हम ना इसमें दूध डालेंगे ना हम इसमें चीनी डालेंगे। जो हमने मैंगो पल्प के साथ चीनी पीसा था हम वो भी नहीं करेंगे। अभी कुछ वक्त पहले हमने मिल्क कलाकंद की रेसिपी डाली थी, इंस्टेंट मिल्क कलाकंद की रेसिपी डाली थी। आप चाहें तो वो रेसिपी भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो रेसिपी और ये रेसिपी बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ इसमें हमने मैंगो पल्प डाला है क्योंकि हम इसे मैंगो कलाकंद बना रहे हैं और उसे हमने इंस्टेंट बनाया था तो वो मिल्कमेड के साथ बनाया था। यहाँ पर ये हम दूध के साथ बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं अब पनीर में से दूध काफ़ी कम हो गया है, दूध सारा इवेपोरेट हो चुका है। अब हम इसमें इस टाइम पे डालेंगे जो हमने मैंगो का पल्प पका के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और फिर हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे चलाते हुए अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, इसमें जो पानी है वो इवेपोरेट ना हो जाए पूरी तरीके से। हम तब तक इसे पका लेंगे। 7 से 8 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और साथ में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच गुलाब जल या फिर केवड़ा। अगर आप चाहें तो इसमें गुलाब जल या केवड़ा नहीं भी डाल सकते, आप उसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। पर अगर आप गुलाब जल डालेंगे इसमें तो इसका टेस्ट एकदम मार्केट की बर्फ़ी की तरह आएगा। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। और आप देख सकते हैं अब ये मिक्सचर पैन छोड़ना शुरू कर चुका है, ये साइड से भी पैन छोड़ रहा है, ये बिल्कुल तैयार है जमाने के लिए। अगर आपको थोड़ी सी गीली बर्फ़ी चाहिए, जैसे दूध की बर्फ़ी मिलती है, अगर उस कंसिस्टेंसी में आपको मैंगो कलाकंद चाहिए तो इसी टाइम पे हम इसे गैस से उतार देंगे और इसे जमने के लिए रख देंगे। पर अगर आपको थोड़ी सी कड़ी, थोड़ी सी टाइट
कलाकंद चाहिए तो इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे। यहाँ पे हमने इसे अभी गैस से उतार दिया है, गैस बंद कर दिया है, क्योंकि हम मुझे थोड़ी सी गीली कंसिस्टेंसी वाली कलाकंद पसंद है, इसलिए हम इस टाइम पे इसे बंद करके जमाने के लिए रख देंगे। मैंगो कलाकंद को जमाने के लिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बोल लिया है और उसमें हम बटर पेपर लगा लिया है। अगर आप बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह एल्युमिनियम फॉइल या फिर क्लिंग रैप भी लगा सकते हो। मिक्सचर को हम मोल्ड में पलट लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप इसे थाली में भी जमा सकते हो। इसे हम थोड़ा मोटा जमाएंगे और इसे अपने लैडल से लेवल अप कर देंगे, अच्छे से हम इसे बराबर कर देंगे। और फिर हम इसे कुछ ड्राई फ्रूट से, मतलब कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश कर देंगे। पिस्ता और बादाम डालने के बाद हम फिर से इसे लैडल से थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे पिस्ता और बादाम इससे अच्छे से स्टिक हो जाए। दोनों चीज़ें डाल के ये बिल्कुल अब रेडी है जमाने के लिए। हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे 1/2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख के भी जमा सकते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हमारी कलाकंद एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है। हम उसे फ्रिज से बाहर निकाल के उसे बटर पेपर से अलग कर लेंगे। फिर हम उसे एक चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने मन चाहे पीसेस में से कट कर सकते हो, आप इसे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर पीसेस में कट कर सकते हो। और ये देखिए, ये हो गई हमारी मैंगो कलाकंद तैयार। है ना झटपट सी रेसिपी, और देखने में भी सुंदर और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हम आपको पास से एक पीस उठा के दिखाते हैं। बिल्कुल दानेदार है, जूसी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है। और ये कलाकंद आप व्रत में भी खा सकते हो। तो आम का मौसम जाने से पहले इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।